गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर। ओ भाई साहब अभी से ही मतलब यार इतनी ज्यादा जो है ठंडी होना स्टार्ट हो चुकी है। हेलो गाइस, तो कैसा आप? तो गाइस यार गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मी में हम एक से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो गाइस यार हम क्या करते हैं, मतलब फ्रिज बनाना हो या हम कोई ठंडा कूलर बनाना हो या ऐसे बनाने हो, तो उसमें हम यूज करते हैं पेल्टियर मॉड्यूल का, जो कि मार्केट में काफी ज्यादा जो है महंगा आता, तो इस वजह से हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाते। तो गाइस यार आज इस वीडियो में मैं आपको एक घर पर पेल्टियर मॉड्यूल बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है वाटर पेल्टियर मॉड्यूल, जो कि पानी से काम करने वाला। और गाइस ये जो है वाटर पेल्टियर मॉड्यूल जो है 2-in-1 होने वाला है, ये पानी को भी ठंडा करता है, प्लस आप जो है इस पर कुछ चीज रखकर भी उस चीज को जो है ठंडा कर सकते हो, तो काफी अच्छे से ही काम करता है। वीडियो पर काफी मजा आने वाला है। जो भी बंदे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आजकल आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक पूरा जोर देखिएगा और वीडियो शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस कमाल के वाटर पेट्रोल मॉड्यूल को बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके के एडजस्ट फैन का, यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 12 वोल्ट का। आप जो है मतलब मोटर को लेकर और एक प्रोपेलर लेकर उसका भी यूज कर सकते हो। तो गाइज अगर आपके पास ये है तो काफी अच्छा रहेगा इस वाटर पेट्रोल मॉड्यूल को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इधर से हवा खींचता है और इधर के साइड को देता है, तो काफी अच्छा ये हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ तो बोलो बच्चों मेरी मुट्ठी में क्या, किस चीज की जरूरत है तुझे? यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके के 4 बोतल के कैप का, यहाँ पर आप देख सकते हो जिन्हें जो है ढक्कन कहते हैं, ढक्कन। तो इस तरीके से आपको रख देने हैं, एंड ये जो आप एडजस्ट फैन देख रहे हो इस तरीके से हम इसका स्टैंड बनाने वाले हैं, ताकि हमारा एडजस्ट फैन जो है नीचे की साइड से हवा खींचे और ऊपर की साइड को जो है हवा दे। चलो गाइस इसे जल्दी से ग्लू गन की मदद से चिपका लेते हैं। इसे चिपकाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके के ग्लू गन का, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस तरीके से आपको जो है ग्लू गन लगाकर एंड इसे इस तरीके से चिपका देना है। गाइज यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके की एल्युमिनियम जाली का, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हम इसका क्यों यूज करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो हमारे जो है कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगने वाली है, ताकि हम इसके ऊपर जब पाइप लगाएं तो ये मतलब नीचे की साइड को ना गुड़े। तो चलो गाइज इसे जल्दी से इस तरीके से कट कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जाली जो है कट कर दी है, एंड ये जो हमारी कुछ इस तरीके से लगने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये जो बाकी आप पीस देख रहे हो मतलब जो बाकी के हिस्से देख रहे हो, आपको जो इस तरीके से पीछे की साइड को जो है फोल्ड कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये बिना ग्लू गन के जो इस तरीके से रुक जाएगी। तो चलो गाइज इसे जल्दी से लगा देते हैं। कैमरा चलो। तो गाइज यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके के 2 सिल्वर के पाइप का, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये 2 है, इन्हें कट करके जो हम 4 कर लेते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से 4 कर लेते हैं। तो गाइस आपसे बात करते करते जो हमने इस तरीके से इसको जो है 4 पीस जो है कट कर लिया है, खैर सब कुछ एडिटिंग का कमाल है आपने देख ही लिया। तो गाइस ये जो है इस तरीके का एडजस्ट फैन लेते हैं, एंड हम जो है इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है लगाने वाले हैं, एंड हमारा कूलिंग सिस्टम जो है बनने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये जो है इस तरीके से फिट होने वाले हैं, एंड हमारा नीचे से भी फैन चलेगा और इन पाइप में को जो है पानी दौड़ेगा, तो इस तरीके से हमारा पेल्टियर मॉड्यूल जो है बनने वाला। तो चलो गाइस अब इसके अंदर पाइप लगाते हैं, पाइप कौन सा यूज करने वाले हैं। तो गाइस मैं यूज करने वाला हूँ इस तरीके का हवा भरने का जो है पंप के पैप का, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आप इससे पहचान सकते हो। तो गाइस ये जो है इस तरीके से इसके अंदर जो है कुछ इस तरीके से फिक्स आ रहा है। तो चलो गाइस इसके छोटे छोटे पीस कर लेता हूँ पहले मैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो है बना लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमने पाइप का ज्वाइंट काटे थे इस तरीके से लगा दिए प्लास्टिक के, एंड ये हमारे सिल्वर का कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है इस पे जो है लगने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चल गाइज इन्हें सबसे पहले इसे जो है इस तरीके से चिपका लेते हैं, ताकि इसके अंदर पानी लूज मतलब लीक ना हो, तो इस वजह से हमने इसमें जो है टैप मार दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आपको भी कुछ इस तरीके से लगा देने हैं, एंड ये रहा हमारा फैन, और ये जो है कुछ इस तरीके से इसको पल लगने वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ इस तरीके का पाइप का, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे हमें क्या करना होगा, इसे जो बीच में से कट कर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से इसको जो है कट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एक जो हमें इस तरीके से यहाँ पर जो है लगा देना है कुछ इस तरीके से, एंड एक जो है इस तरीके से लगा देना है। तो चलो गाइस इस पे भी टेप मार देते हैं और फिर इसे चिपकाते हैं इस पे। तो
फाइनली गाइज हमारा कूलिंग सिस्टम जो है बनकर तैयार हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो इसे जो हमने कुछ इस तरीके से बना लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढक्कन लगा दिए, और ये हमारा एडजस्ट फैन लग रहा है, और ये जाली है, और ये जो है हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। गाइज इसमें काफ़ी ज़्यादा जो मेहनत यहाँ पर लगी, मतलब यार इसमें जो है पानी लीकेज हो रहा था, तो हमें जो है दोबारा से इसे जो है मतलब उखाड़ कर फिर से दोबारा से लगाना पड़ा। तो अब जाकर ये कुछ अच्छे से काम भी कर रहा है। तो देख सकते हो गाइज कुछ इस तरीके से इसके जो है इनपुट आउटपुट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो चलो गाइज अब इसकी मज़ेदार सी टेस्टिंग करते हैं किस तरीके से काम करता है, वीडियो में बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का वाटर पंप का भी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो अपने हाथों से बनाया। अगर आपकी कमेंट आती है तो आप जो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि भाई एक वाटर पंप बनाकर दिखाओ, आपको एक काफ़ी पावरफुल सा जो है वाटर पंप बनाकर दिखाऊंगा। तो देख सकते हो मैं जो इस तरीके का वाटर पंप का यूज़ करने वाला हूँ, और आपको एक वायर इस तरीके से आपको एक पाइप लेकर और इस तरीके से इसके अंदर जो है कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से देख सकते हो गाइज ये हमारे वाटर पंप में जो है लग चुका है। एंड आपको इस तरीके से डिब्बा लेना है और उसमें जो है पानी भर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर हम यूज़ करने वाले बैटरी में आपको बता देता हूँ, इस 12 वोल्ट के फैन को चलाने के लिए मैं 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ, और इस वाटर पंप को चलाने के लिए मैं इस तरीके की बैटरी का यूज़ करने वाला हूँ। ये पैरेलल में दो लैपटॉप की बैटरी जोड़ी देखिए काफ़ी अच्छे से ये जो है चल रहा है। देख सकते हो गाइज हमारा एडजस्ट फैन जो है चल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं आपको पास से दिखाना चाहूँ फोकस करके। तो चलो गाइज अब वाटर पंप को ऑन करते हैं, अब देखते हैं इसकी पावर किस तरीके से है जो हमारा काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब कहानी स्टार्ट होती है। तो यहाँ से वायर लगाता हूँ और ये गया। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है इस तरीके से काम कर रहा है। देखिए गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो है पानी आ रहा है। देखिए गाइज कुछ इस तरीके से, तो इसे यहाँ पर छोड़ते हैं। और गाइज यहाँ पर ओ भाई साहब अभी से ही मतलब यार इतनी ज़्यादा जो है ठंडी होना स्टार्ट हो चुके हैं, और पानी के बिल्कुल भी जरा सा भी लीकेज नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा बहुत जो इधर से लीकेज हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए गाइज यहाँ से जो है थोड़ा सा बस पानी लीकेज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन हमारा वाटर सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले इसके तार लगा देता हूँ कुछ इस तरीके से। फाइनली गाइज हमारा वाटर पाल्टर मॉड्यूल जो है बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये जो है इस तरीके से 12 वोल्ट की बैटरी जो है फैन को जो है चला रही है, और ये जो है काफ़ी वो भाई साहब इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है। देखिए गाइज इस तरीके से पानी घूम कर आ रहा है, और पानी भी जो है काफ़ी अच्छे से, ओ गाइज यार मतलब पानी भी इतने अच्छे से ठंडा हो रहा है, मतलब यार इतना यकीन नहीं था, मतलब ये हो क्या रहा है। मैं आपको इसके पीछे का साइंस समझाता हूँ। इस तरीके से पानी जा रहा है इस तरीके से घूमते हुए, फिर इसके वापस अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ से सिस्टम क्या हो रहा है, मतलब ये जो आप फैन देख रहे हैं ये घूमते हुए जो है इन नलकियों को जो है ठंडी कर रहा है, जो कि हमने सिल्वर की लगाई है, और इसी तरीके से हमारा पानी जो है ठंडा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, और यही पानी हमारे इस सिस्टम को ठंडा कर रहा है ये जो आप देख रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी हो रही है पेल्टियर मॉड्यूल के हिसाब से, मतलब इतनी ठंडी है कि हाँ मतलब ये जो है पानी को नॉर्मल से जो है मतलब हल्के पानी को जो है ठंडा जो है कर सकती है। मेरे पास थर्मामीटर नहीं है वरना आपको चेक कराता। तो देख सकते हो इस तरीके का कुछ सिस्टम है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कूलिंग सिस्टम जो है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो पानी काफ़ी अच्छे से आ रहा है वाटर पंप से जो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, और इस तरीके से नलकी में को घूम कर जो है वापस से इसमें आ रहा है। तो हमारा पानी भी इस तरीके से ठंडा हो रहा है, एंड हमारी ये जो है नलकी आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो रही है। इसके ऊपर आप जो है कुछ भी रख कर जो है ठंडा कर सकते हो। गाइज मेरे पास थर्मामीटर नहीं है वरना आपको जो है चेक करा कर दिखाता, काफ़ी अच्छे से ये जो है ठंडा हो रहा है, काफ़ी मस्त जो है ठंडा हो रहा है। बस ये थोड़ा सा है ऐसे जो है लीकेज हो रहा है हल्का सा, वरना काफ़ी अच्छे से ये जो है काम भी कर रहा है। तो गाइस यार हमारा वाटर पेल्टर मॉड्यूल काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब एक साथ जो है दो दो काम फ्री कर रहा है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो आपने हमने जो है सिस्टम लगाया, ये जो सिल्वर के आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो रही है, एंड इसके साथ जो हमारा वाटर भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो रहा है। ठंडा वाटर इसलिए हो रहा है, मतलब यहाँ से फैन पर जो है इस तरीके से सिल्वर पर जो है ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये सिल्वर के जो है ठंडे हो रहे हैं हवा से,
और इस तरीके से हमारा पानी भी ठंडा हो रहा है। अब पानी से हमारा जो ये भी ठंडा हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिल्वर का सिस्टम, तो काफ़ी अच्छे से हमारा ये वाटर फिल्टर मॉड्यूल जो है काम कर रहा है और काफ़ी अच्छे से ये जो है चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर पानी जो है काफ़ी अच्छे से आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप भी इस वाटर फिल्टर मॉड्यूल को जो है बनाकर और इसका यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो है आगे आपको प्रोजेक्ट जो है मिलने वाले हैं। सो गाइस देखा आपने हमारा वाटर फिल्टर मॉड्यूल जो है कितने अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पानी भी वापस से आ रहा है एंड ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ठंडी भी हो रही है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और जो भी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और ऐसे तगड़े तगड़े गर्मी के प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, कमेंट कर बताओ वीडियो कैसे लगे और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।